मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्ज़ाम में स्वागत है और आप सभी के लिए एक बेहतरीन और महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आए हैं उन सभी साथियों के लिए जो लंबे समय से SCGD के मेडिकल का वेट कर रहे थे। तो मेडिकल का जो लिस्ट है वो शॉर्ट लिस्टेड हो गया है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले आप टोटल एग्ज़ाम से कोर्स फुल कोर्स को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर जाएँ और सर्च करें टोटल एग्ज़ाम प्लस, और वहां से फिर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए हम टू द पॉइंट आते हैं। SCGD LDC 2019 शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेडिकल, तो मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिए गए हैं। इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और जो कुछ क्वेरी है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी थे 1412, ठीक है। और उसके बाद जब रिटर्न का रिजल्ट आया तो रिटर्न टेस्ट था, उनका रिजल्ट जो प्राप्त हुआ 1770 कैंडिडेट का रिजल्ट हमें मिला। अब जब शॉर्ट लिस्टेड किया गया मेडिकल के लिए इन्होंने जो लिस्ट जारी किया है वो है 1493, यानी लगभग लगभग 270 कैंडिडेट को इन्होंने आउट किया अपने लिस्ट से, ठीक है। अब क्यों आउट किया, क्यों रिमूव किया, इसके रीजन क्या थे, तो रीजन पे भी हम कारण पे भी हम बात करेंगे। इस कारण ये यहां से रिजेक्ट किए गए, यानी एग्जाम पास होने के बाद भी 277 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, ठीक है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उसके सिग्नल यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और जिनको पता नहीं या जिनके पास सिग्नल नहीं प्राप्त हुआ है जल्दी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एक जगह से हमने कंफर्म किया कि आपके सिग्नल सेंटर में भी रिसीव हो चुका है ये, तो फेक नहीं है। फिर भी हम डबल कन्फर्मेशन कर रहे हैं। डबल कन्फर्मेशन के लिए भी हमारे कुछ जो आरओ हैं उसे हमने ये सिग्नल भेजा है, तो डबल कन्फर्मेशन वो जल्द ही हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर है R2525/2019, ये पूरा नंबर है। और ये जो है शॉर्ट लिस्ट वो जारी किए गए हैं 15 मार्च 2024 को, यानी कल के डेट में, ठीक है। और टोटल यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं कैंडिडेट के, और टोटल कैंडिडेट जो है वो 1493 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और अब बात आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल का डेट कब है, ठीक है। तो इसके लिए आप मैसेज ना करें, हमने मेडिकल का एक ग्रुप भी बना दिया है, उस ग्रुप में जुड़ लें। और ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमसे लिंक मांग सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं जो मेडिकल वाला है, वहां से आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां से भी आप हमारे मेडिकल वाले ग्रुप जुड़ सकते हैं। डेट के लिए आप टेंशन ना लें, डेट जैसे ही आता है हम आपको ग्रुप के माध्यम से अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था कि जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हर दिन हमें मैसेज कर रहे थे मेडिकल के, तो शॉर्ट लिस्टेड यानी लिस्ट तैयार हो चुका है, ठीक, और जल्द ही आपका मेडिकल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो किन कारण से इसे जो हमारे पास कैंडिडेट थे 277 इसे हटाया गया है, तो क्या कारण हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आप लोग जब फॉर्म नोटिफिकेशन देखे होंगे, ये नोटिफिकेशन का हमने एक स्क्रीनशॉट लगाया है जहाँ पे क्लीन रिकॉर्ड के बारे में बताया गया, दे शुड हैव मिनिमम गुड ACR ऑफ लास्ट 4 ईयर। लास्ट 4 ईयर का मतलब हुआ जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, उस समय आपके ACR को चेक किया जाता है लास्ट के 4 साल, ठीक है।
यानी फॉर्म भरते समय अगर आपका एसीआर खराब भी है तो आपका फॉर्म भर दिया जाएगा या कभी कभी रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। बट मैक्सिमम केस में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपके एसीआर को चेक किया जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दे शुड हैव मिनिमम गुड एसीआर ऑफ लास्ट फोर ईयर एंड शुड हैव अनब्लेम्ड सर्विस रिकॉर्ड टिल द यहाँ पे देखिए इस लाइन को देखिए टिल द इशू ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके ज्वाइनिंग होने तक एससीजीडी के ज्वाइनिंग होने तक कोई भी ब्लेम नहीं होना चाहिए, जैसे ओएसएल पनिशमेंट। ठीक है, जैसे अगर आपने ये 2019 की वैकेंसी है 2020 में या फिर 2021 में या फिर 2022 में आपने कुछ ऐसा कर दिया, ओएसएल हो गए या कोई पनिशमेंट मिल गया तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया। पहला पॉइंट तो ये जो बेस है रिजेक्ट करने का, टोटल कितने रिजेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, रिजेक्टेड कैंडिडेट जो है वो टोटल 277 है। दूसरा पॉइंट है जो रिजेक्ट होने के कैंडिडेट अवार्डेड माइनर और मेजर पनिशमेंट पेनल्टीज अंडर रिलेवेंट सेक्शन, यहाँ पे देखिए सेक्शन 11 ऑफ CRPF एक्ट 1949 रीड विथ टेबल बिलो रूल 27 ऑफ CRPF रूल्स। तो 27 CRPF रूल्स को पढ़ लेना है, CRPF एक्ट 1949 सेक्शन 11 में जाकर 27 रूल्स, ठीक है 1955। तो इसके जो है यानी सेक्शन 11 ऑफ CRPF एक्ट का सेक्शन 11 पढ़ना है और जो रूल 27 है CRPF 1955। ठीक है, इन दोनों सेक्शन और रूल्स के अगेंस्ट यानी इसके खिलाफ अगर इसके उल्लंघन करते हैं इन रूल्स के तो भी आप के जो डॉक्यूमेंट आपके कैंडिडेट्स हैं वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा यानी आपकी उम्मीदवारी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो दो ये मेजर कारण है जिसके कारण ये जहां तक समझ में आ रहा है कि 277 को मेल कैंडिडेट्स हैं इसे रिजेक्ट करने का ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अब कंपटीशन कितना रह गया ये भी हम देख लेते। अब रिजेक्ट होने के बाद जो मेडिकल में लड़के जा रहे हैं कैंडिडेट्स वो डाल रहे हैं 1493। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल सभी है। ठीक, और इसे लेना सेलेक्ट कितना करना है यानी वैकेंसी कितनी है 1412। यानी 81 कैंडिडेट अभी भी मेरिट लिस्ट से बाहर जाएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है जहां तक समझ में आ रहा है कि जो कैंडिडेट मेडिकल पास कर जाएंगे वो सभी का रिजल्ट हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस थे कि रिजल्ट कितने मार्क्स पे दिया था, तो मैं बता देता हूं जितने भी क्वालिफाई किए थे यानी क्वालिफाइंग मार्क्स लाए थे वो सभी का रिजल्ट हो गया था, चाहे वो जनरल कैंडिडेट का हो या ओबीसी हो या फिर एसटी हो या फिर एससी। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन था कि आपको मेडिकल के बारे में अपडेट दें और जो 277 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं शॉर्ट लिस्टेड से बाहर हुए हैं मेडिकल के लिए वो क्या कारण हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि उन सभी कारणों में से आप नहीं हैं तो आप फिर अप्लीकेशन दीजिए तो आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा कि किस कारण से आपको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और लाइक करने के साथ ही अपने साथियों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपडेट हो सके इस लेटेस्ट मेडिकल से। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, जल्दी एक मिनट देंगे तक के लिए। जय हिंद।